हेलो मेरे यादव, तो कैसे हो आप लोग। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं द गॉडजिला वर्सेस द किंग कॉन्ग के बारे में। और आप लोगों में से काफ़ी लोग ये सोच रहे होंगे कि ये मूवी तो काफ़ी दिनों पहले ही रिलीज़ हो गई थी, मतलब मार्च में ही रिलीज़ हो गई थी और अभी अप्रैल है। तो इस वीडियो में आप लोगों को क्या ऐसा जानने को मिलेगा, ऐसा देखने को मिलेगा कि आप लोग इस वीडियो को देखें। तो अगर मैं आप लोगों को सच बताऊं तो इस वीडियो में ऐसा कुछ भी खास नहीं होगा कि आप लोग मतलब इस वीडियो को देखें, क्योंकि अगर आप लोग उस मूवी को अभी तक देख चुके हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को इस वीडियो को देखना चाहिए, क्योंकि ऐसा कुछ खास तो होने नहीं वाला है इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बेसिकली उसके रिव्यू के बारे में बात करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि अगली वीडियो से मैं फेस कैम बनाऊंगा। तो अगर आप लोग अच्छी अच्छी वीडियोस देखना चाहते हैं, मतलब अगर आप लोग अच्छी वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो अगर आप लोग इस मूवी के टाइटल को पढ़ेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये वाली मूवी किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है, मतलब ये वाली मूवी हम लोगों को क्या क्या दिखाएगी और क्या क्या हम लोगों को इस मूवी से एक्सपेक्ट करना चाहिए, क्योंकि ये वाली मूवी हम लोगों को गॉडजिला और किंग कॉन्ग की फाइट को छोड़ के और कुछ भी नहीं दिखाती। मतलब और कुछ इस पर देखने लायक था ही नहीं। इसका प्लॉट बिल्कुल ही बकवास था और मुझे तो बेसिकली बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और आप लोगों को इस मूवी की स्टोरी कैसी लगी ये आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। मुझे तो इस मूवी की स्टोरी बिल्कुल ही बकवास लगी, मतलब अगर इस मूवी में कोई स्टोरी थी, क्योंकि ये मूवी केवल गॉडजिला और किंग कॉन्ग पे ही फोकस करती है। और अगर मैं और भी ज़्यादा अच्छे से बात करूँ तो ये मूवी केवल और केवल किंग कॉन्ग के ऊपर ही फोकस करती है। ये मतलब बहुत ही ज़्यादा कम फोकस करती है गॉडजिला के ऊपर। और मुझे नहीं लगता कि ये जो मिली बॉबी ब्राउन का कैरेक्टर है वो इस मूवी में होना चाहिए था। खैर, इस चीज़ के बारे में अभी थोड़ी देर आगे अभी बात करेंगे, पर उससे पहले बात कर लेते हैं गॉडजिला और किंग कॉन्ग की फाइट के ऊपर। तो मेरे ख्याल से इस मूवी का जो पूरा का पूरा चार्म था वो केवल गॉडजिला और किंग कॉन्ग की फाइट ही थी। मतलब इस वजह से नहीं कि दो बड़े बड़े राक्षस, मतलब राक्षस या मॉन्स्टर्स जो भी आप कहना चाहें, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, बल्कि कितनी बढ़िया तरीके से उस चीज़ को दिखाई गई है। मतलब आप लोग खुद ही इस सीन को देखिए और जज कीजिए कि क्या ये चीज़ बढ़िया नहीं है, क्या ये चीज़ बिल्कुल रियल जैसी नहीं लगती है, क्या ये नहीं लगता है कि ये दोनों जो मॉन्स्टर्स हैं, जो ये दोनों जो राक्षस हैं, ये दोनों रियल में एग्जिस्ट करते हैं और लड़ रहे हैं। क्या आप लोगों को ऐसा नहीं लगता है? मतलब बहुत ही ज़्यादा बढ़िया तरीके से इसकी CGI यूज़ की गई है। और पर्सनली मुझे लगता है कि यही चीज़ है जो इस मूवी को देखने लायक बनाती है। और मुझे लगता है कि आप लोग इस मूवी को अपने फ़ोन या लैपटॉप या कंप्यूटर में नहीं देख सकते हैं, मतलब देख तो सकते हैं ऑफकोर्स, बट आप लोगों को उतनी मज़ा नहीं आएगी। मैंने पर्सनली इस मूवी को फ़ोन में देखा था और मुझे फाइट सीन को देख के उतनी ज़्यादा बढ़िया नहीं लगी थी जितना बढ़िया लग सकता था मुझे अगर मैं सिनेमा हॉल में देखता। मतलब अब तो आप लोग नहीं देख सकते इसको सिनेमा हॉल में, आप लोगों ने चांस मिस कर दिया मेरी तरीके से, मेरी तरह से, तो सॉरी, उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता है। बट अगर आप लोगों ने इस मूवी को पहले ही देख चुके हैं तो मुझे लगता है आप लोगों ने इस मूवी को सिनेमा हॉल में देखा होगा और मैं अब श्योर हूँ कि आप लोगों को जो फाइट सीन है वो चीज़ देख के मज़ा ही आ गया होगा। और अब बात कर लेते हैं इस मूवी के कैरेक्टर को लेके। तो इस मूवी के कैरेक्टर से मुझे कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं, मतलब सारे कैरेक्टर बिल्कुल डिसेंट थे, ना ही कुछ ज़्यादा अच्छा काम किया है ना ही मतलब बेकार काम किया ज़्यादा, बस मिली बॉबी ब्राउन और इन दोनों कैरेक्टर को छोड़ के, क्योंकि मुझे नहीं लगता इन दोनों कैरेक्टर का कोई भी रोल था इस मूवी में। ऐसा आप लोगों ने काफ़ी लोगों को कहते हुए सुना होगा, बट मैं उनसे मतलब ज़्यादा अच्छे तरीके से एग्री नहीं कर सकता कह सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो मिली बॉबी ब्राउन का कैरेक्टर है वो नेसेसरी था इस मूवी के लिए। इसके पीछे दो तीन रीज़न है। पहला रीज़न तो ये है कि ये जो मिली बॉबी ब्राउन का कैरेक्टर है वो इस मूवी में आके ये बता देता है कि ये वाला कैरेक्टर जो है वो हम लोगों को आगे भी दिखना चाहिए। हाँ, मैं मानता हूँ कि इसका कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा स्टूपिड था और बिल्कुल भी दिमाग नहीं था इसके कैरेक्टर के पास, बट ये वाला कैरेक्टर जो है मिली बॉबी ब्राउन का, ये आगे आने वाली मूवीज़ के लिए एक अच्छा फ्यूचर सेट कर सकता है। और अब बात करते हैं इन दोनों के बारे में। ये वाला जो कैरेक्टर है ये मेरे ख्याल से थोड़ा इम्पोर्टेंट रोल इसने प्ले किया है। और अगर आप बात कर लेते हैं इस कैरेक्टर के बारे में तो मुझे नहीं लगता इस कैरेक्टर के बारे में मैं क्या ही बात करूं, ये कैरेक्टर केवल डम था। तो बस यार, आज के लिए इतना ही। तो मुझे पता है कि ये वाली वीडियो भी उतनी ज़्यादा बढ़िया नहीं है जितनी इसको होनी चाहिए थी और ये वाली वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेट भी आ रही है, तो मैंने इस वीडियो के लिए बिल्कुल भी मेहनत नहीं की है, बस मैं अपने माइक के पास बैठा और इस वीडियो को रिकॉर्ड कर दी। तो बस आज के लिए इतना ही। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, जो कि मुझे नहीं लगता कि आई होगी, बट अगर थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और मैंने पिछले एक हफ्ते से बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बढ़िया
या शोज़ और सीरीज़ देख ली है नेटफ्लिक्स में, और उसके ऊपर भी मैं वीडियो जल्द ही बना दूंगा, और हो सकता है आप लोगों को कल या परसों में ही उसकी एक वीडियो मिल जाए, तो उसकी वीडियो भी देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।